नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वॉइस ऑफ इंडिया में। मैं आपका दोस्त अमित महाजन। रोज की तरह हमारी टीम जाती है दिल्ली की अलग अलग विधानसभाओं में और जानती है वहां के क्षेत्रवासियों से उनकी राय कि कौन बनेगा दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री। इसी कड़ी को आगे जोड़ते हुए आज हमारी टीम पहुंची त्रिनगर विधानसभा में और जरा वहां के क्षेत्रवासियों से उनकी राय कि विधायक आए आपके क्षेत्र में, किया कुछ काम या हो गए फेल। तो दोस्तों शुरू करते हैं। आज हम खड़े हैं रामपुरा के सैनी वाली गली के आसपास और बात करेंगे यहाँ के लोगों से कि आखिर उनका क्या कहना है आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए। जी, क्या नाम है आपका? आपका राजेंद्र सिंगल है जी मेरा नाम। राजेंद्र जी, अभी विधानसभा के चुनाव आने वाले हैं, जी आने हैं। और लोकसभा के तो निकल गए। हाँ जी, अब कौन बनेगा दिल्ली का मुख्यमंत्री? दिल्ली का मुख्यमंत्री केजरीवाल बनेगा जी, झाड़ू को वोट जाएगी। आखिर क्यों? क्योंकि इन्होंने काम किया है, बिजली के रेट कम है, पानी के रेट कम है, और जी इन्होंने बच्चों स्कूलों में इतनी सुविधा कर दी है, बसों बसें लगा दी गई हैं, प्राइवेट स्कूल में पैसे ज़्यादा लगते हैं। आपका यहाँ पे विधायक कौन है? हमारा जी तोमर है जी, जितेंद्र सिंह तोमर। अगर मैं पूछूं तोमर जी ने आपके इलाके में क्या काम किया, ऐसे काम जिससे आप बहुत ज़्यादा संतुष्ट हैं? हाँ जी, उन्होंने जी सारे एरिए के अंदर सीवर लाइन बदलवाई है, सारे पानी के पाइप बदलवा दिए हैं, और जो रोड बनवा दिए हैं, और जो पुल के यहाँ पुल के अंदर पानी भरता था उन्होंने वो पंप लगवाए हैं। कोई काम उन्होंने ऐसा नहीं छोड़ा। मगर मैं एक आपसे बात पूछना चाहूँगा कि जिस तरह से अभी लोकसभा चुनाव हुए, लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को या केजरीवाल को कोई सपोर्ट नहीं मिला, आखिर क्या कारण था कि लोकसभा में लोगों ने नकारा और विधानसभा में याद कर रहे हैं? इसलिए क्योंकि जो लोकसभा का जो वो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में है, जो ताकि वो मोदी को सेंट्रल गवर्नमेंट में चाहते थे, और जो विधानसभा में वो केजरीवाल साहब को चाहते हैं। मेहरबानी, आप बताएं क्या नाम है जी आपका? ओम प्रकाश यादव है। यादव जी, विधानसभा चुनाव आ रहे हैं, आपको पता है? बिल्कुल पता है। कौन बनेगा दिल्ली का मुख्यमंत्री? देखो जी, ऐसे अगर मेरी राय जानना चाहते हो आप, तो दिल्ली का मुख्यमंत्री केजरीवाल से बढ़िया कोई नहीं है। क्यों? सबसे पहले जहाँ के हॉस्पिटल के अंदर रुई भी नहीं उपलब्ध होती थी, आज वहाँ पूरी मेडिसिन मिलती है। गरीब आदमी को, हम जैसे आदमी को क्या चाहिए? बिजली, पानी, शिक्षा, एजुकेशन, हेल्थ, ये सारी चीज़ें केजरीवाल ने दी हैं। 5 साल हो गए, शीला के टाइम में हर 6 महीने बिजली के दाम बढ़ते थे, हर 6 महीने पानी के दाम बढ़ते थे, बुरा हाल कर रखा था। ना पानी के दाम बढ़े हैं, ना बिजली के दाम बढ़े हैं। एजुकेशन बहुत बढ़िया है, हमारी लाल बिल्डिंग स्कूल है, 100% रिजल्ट 12वीं क्लास का आया है। मगर अभी हमने देखा जब लोकसभा के चुनाव थे और आम आदमी पार्टी या केजरीवाल को कोई सपोर्ट नहीं मिली, उनका कोई भी आदमी नहीं जीत पाया, कोई भी कैंडिडेट नहीं जीता। उसका कारण था, एक ये लोकसभा का चुनाव था, इसमें दो बड़ी पार्टी थी, एक कांग्रेस पार्टी थी और एक बीजेपी थी। तो जनता ये भी देखती है कि केजरीवाल के अगर यहाँ 2-4, 5-7 सीट मिल भी गई तो ये वहाँ कुछ भी नहीं कर पाएगा। हकीकत ये है, जनता बहुत समझदार है, वो देखती है भी दो बड़ी पार्टियाँ हैं, दो बड़ी पार्टियाँ ही जो आगे चलेंगी, इसमें से या तो कांग्रेस आ सकती है या बीजेपी आ सकती है। आपके यहाँ पे रामपुरा में विधायक का नाम आपको पता कौन है? जितेंद्र सिंह तोमर है विधायक, और राजीव यादव जो हमारे यहाँ से निगम पार्षद हैं। अगर मैं पूछूं कि तोमर जी ने यहाँ पे क्या काम किया है और किस तरह के लोग संतुष्ट हैं, कौन से ऐसे मेन काम है जो आपको याद है उनके? ऐसा है, अगर तोमर के बारे में पूछो तो तोमर का नाम है काम, तोमर का नाम है काम। जितने काम तोमर ने कराए, 40-40 साल पुराने काम तोमर ने कराए हैं। हमारे यहाँ 40 साल पुरानी लाइन थी पानी की, सारी रामपुरी की एक एक लाइन पानी की लाइन बदलवा दी, बदबूदार जो पानी आता था बिल्कुल साफ पानी आता है, किसी भी व्यक्ति से पूछो आप। सीवर की सारी लाइनें बदलवा दी हैं, सड़कें पर बनवा दी हैं, अभी भी आपको पोस्टर सामने दिखाई दे जाएंगे। कल दो गलियों का उद्घाटन यहाँ किया है, उद्घाटन नहीं करते हैं वो, जिस दिन उद्घाटन करते हैं उसी दिन से काम शुरू करते हैं। ये नहीं कि नारियल फोड़ दिया जा करके और काम होगा 6 महीने बाद, वो काम नहीं है। एक मिनट, क्या नाम आपका? राम तीरथ। राम जी, अभी विधानसभा के चुनाव आ रहे हैं, आपके यहाँ पे जो विधायक है क्या नाम है उसका? विधायक का नाम है जितेंद्र सिंह तोमर। क्या जितेंद्र सिंह तोमर ने अपने इलाके में कोई विकास काम किया है? हाँ जी किया है। क्या काम किया उन्होंने? सड़कें बनवाई, पानी की लाइनें बदलवाई हैं और सीवर बदलवाए हैं। और मगर जिस तरह से आप कह रहे हैं उन्होंने काम किया है, मगर लोकसभा चुनाव में लोगों ने नकार दिया था, आखिर क्यों? इसलिए दिया था कि दो बड़ी पार्टी थी, इसलिए हर आदमी को पता है कि इसका कोई सत्ता में आएगा ही नहीं, ना चल पाएगी इसकी, जब पहले नहीं चली तो अब क्या चलती, इसलिए।
अब जो ये निगम परिषद का चुनाव आएगा इसमें जीतेगा ये। अब तो विधानसभा के आएंगे? हाँ, जो भी आएंगे इसमें जीतेगा जी। क्या नाम आपका? राजकुमार। राजकुमार जी, विधानसभा के चुनाव आ रहे हैं, कौन बनेगा दिल्ली का मुख्यमंत्री? अब क्या पता कौन है, तो मशीन ही गड़बड़ कर जाएगी, जो मशीन चाहेगी वही बनेगा। जनता क्या चाहेगी? जनता के चाइनेस क्या होता है, मशीन के चाइनेस होता है, जो कुछ होगा मशीन के चाइनेस होगा, जनता चाइनेस नहीं होता है। जनता कुछ भी करे, जो मशीन करेगी वो होगा। मतलब आपको ईवीएम पर भरोसा नहीं है? नहीं भाई, मुझे तो बिल्कुल भरोसा नहीं है। आखिर क्यों? अब क्यों क्या है, जिसके कोई उम्मीद नहीं होती साला वही हो जाता है, जो आदमी सपने में नहीं सोचता वो हो जाता है, तो मशीन की दिक्कत लगा रही है सब। आपके यहाँ पे जो विधायक हैं, क्या नाम है उनका? तोमर जी। तोमर जी ने आपके इलाके में कोई विकास कार्य किए हैं? क्यों नहीं करा, सब बहुत कुछ करा है, पहले से बहुत परिवर्तन है। क्या कुछ दो काम ऐसे बताइए जिन्होंने बहुत अच्छे किए, जिसे दुनिया से दिल्ली और आपके इलाके के लोग याद रखेंगे? भाई सबसे बढ़िया सीवर व्यवस्था सब सही करे, गलियाँ सारी सही करा दी इन्होंने, स्कूल पानी और दुनिया के बहुत सारे काम करे, क्यों नहीं करे। तो आपके हिसाब से दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन? अब क्या बताइए, तो मशीन बताएगी कौन करेगा। अगर आपसे पूछूं कि दिल्ली का मुख्यमंत्री अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, तो आप क्या कहेंगे? सर इसमें तो हम नहीं कह सकते हैं, जो नॉलेज ही हमें नहीं है, कौन होना चाहिए नहीं होना चाहिए। आप इसी इलाके में रहते हैं ना? रहते तो यहीं पे हैं। तो वोट करते हैं? तो आप किसको वोट करना चाह रहे हैं इस बार? अब जिधर देखेंगे ज़्यादा उधर ही जाएंगे। आपके विधायक ने आपके इलाके का कोई सुधार किया है? हाँ, सुधार तो बहुत कुछ किया, जैसे पहले से बहुत बढ़िया है। अभी एक शिकायत यहाँ पे कि पानी लग जाता है ये सीवर अंदर पास में, जैसे गाड़ी उड़ी जाने आने में दिक्कत होती है, थोड़ा सा बारिश हुआ पानी इकट्ठा हो जाता है, इन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए, ये चीज़ ध्यान में। आपके विधायक का नाम क्या है? नाम तो सर क्या नाम है वो? नाम मुझे ध्यान नाम नहीं पता। आप लोग हैं? मेरा नाम जयप्रकाश गर्ग है। गर्ग साहब, विधानसभा के चुनाव आ रहे हैं, नेता भी आने शुरू हो जाएंगे। नेता भी सारे आ जाएंगे। अब क्या लगता है कि दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन बनने जा रहा है? मुख्यमंत्री तो केजरीवाल था और अब भी केजरीवाल बन जाएगा। क्या कारण है कि अभी लोकसभा चुनाव में केजरीवाल को जीत नहीं मिली और विधानसभा में मिलेगी? ये इस चक्कर है, ये क्या नाम है अपना, राजीव है, तोमर है, ये जुड़े हुए हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, हमारे रामपुर में आते हैं बार बार, टेलीफोन करते आ जाते हैं हमारे पास। कोई ऐसे काम तोमर जी के जो आपको बड़े अच्छे लगते हैं और उन्होंने किए हो, जो याद रखे जाएं? यही काम है, शिवर डलवा दिए, क्या नाम है, जो मोटे मोटे पाइप डलवा दिए, पाइप लाइन डलवा दी इन्होंने, 12-12 इंची के पाइप डलवा दिए हैं, सही काम किया है अभी तक तो, और आगे जो करेंगे काम, मिलनसार हैं। सर आप ये बताइए कि जिस तरह लोग कह रहे हैं कि भाई तोमर जी ने काफ़ी काम किया है, मगर लोकसभा चुनाव में देखा कि जनता ने नकार दिया था आम आदमी पार्टी को, क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर आप? सर यहाँ तो आम आदमी से जुड़े हुए हैं ना हमारी पार्टी, है आम आदमी पार्टी, तो जो आम आदमी की समस्याएं वो अच्छी तरह सुनते हैं, वो करते हैं, तो आम आदमी पार्टी विधानसभा में तो आएगी आएगी, उसे कोई नहीं हरा सकता। अगर मैं आपसे जानना चाहूँ कि कोई ऐसे काम जो आपको यादगार हो, जो आम आदमी पार्टी ने किए हों, जितेंद्र सिंह तोमर ने किए हों। एक आम आदमी के साथ जुड़ के जो भी काम, हमारी समस्याएं सारी सुनते हैं और वो करते हैं काम, यादगार ही रहेंगे सारे, तब वो यादगार हैं जितेंद्र सिंह तोमर, तो काम भी यादगार ही रहेंगे ना, कोई काम तो उन्होंने छोड़ा नहीं हमारे इलाके में कि कोई रह गया हो, और आगे आने वाले टाइम में जो उनकी होगी पॉलिसी वो बताएंगे और वो काम करेंगे। अगर मैं बात करूं आज से 5 साल पहले की, उसमें और आज में कितना अंतर नज़र आता है? नहीं, 5 साल पहले भी हमारे अनिल भारद्वाज जी थे, वो भी ठीक थे काम करने में, उसमें कोई दिक्कत नहीं, दो राय वाली बात नहीं है, मगर जितेंद्र सिंह जी आए, उन्होंने और आगे बढ़ाया काम। क्या नाम आपका? मेरा नाम सीमा वर्मा। सीमा जी, अब विधानसभा के चुनाव आ रहे हैं, अभी तक तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं, आने वाले चुनाव में आप किसे मुख्यमंत्री देखना चाहेंगे, कौन बनेगा मुख्यमंत्री? मैं तो केजरीवाल को ही चाहूँगी। क्यों? क्यों, जैसे बच्चों का स्कूल का है, अस्पतालों का है, गरीब लोगों की दवाइयों के लिए हैं, वो चीज़ बहुत है, कंप्लेंट होती है तो उन्होंने नंबर दे रखा है कि भी आप यहाँ कंप्लेंट करो, इस चीज़ के लिए करो, बहुत उद्धार हुआ है, ऐसी बात नहीं है, नहीं कि शुरू में आए थे तो नहीं था, बाद में इन्होंने बहुत अच्छा सुधार करा है। हाँ, ये गली की लाइटें वगैरह, जैसे किसी चीज़ के लिए कंप्लेंट में जाते हैं, बड़े बड़ों के पेंशन का है,
मैं खुद अपने हस्बैंड की पेंशन भाई तो एक दफ़े बंद हो गई थी, बाद में फिर उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे करो मैं करूँगा, तो उन्होंने तुरंत ही मुझे लाइन में भी लगने नहीं दिया, मतलब तुरंत ही बुला के, जबकि काफ़ी जने बैठे हुए थे वहाँ पे, उन्होंने मेरे को अच्छी तरीके से बुलाया, अंदर बैठा के साइन करके जब भी तुरंत ही हाथों हाथ के जाओ आप जाके जमा करो, तो इनकी 1.5 साल बाद पेंशन आई थी। तो क्या आप आम आदमी पार्टी की सरकार से खुश हैं? हाँ, मैं खुश हूँ। सर क्या नाम है आपका? सुभाष चंद। सुभाष जी, अगर बात करें अब तो दिल्ली आपको याद पता होगा कि विधानसभा के चुनाव आ रहे हैं, क्या लगता है कि जो मौजूदा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उनके कामों से आप संतुष्ट हैं? काम सही है, संतुष्ट है, संतुष्ट है काम से। क्या उनके काम है जो आप जिस कारण संतुष्ट हैं? अब ये क्या बताया। आपके विधायक का नाम पता है आपको? जितेंद्र सिंह तोमर। उन्होंने कोई विकास कार्य किए अपने इलाके में? हाँ, काफ़ी काम किए हैं। क्या काम किए खास? पानी के लाइन, सीवर का काम किया। आने वाले चुनाव में आपका, अगर मैं बात पूछूं कि आपका मत किस सेट जाएगा? आप पार्टी की तरफ ही जाएगा। आप पार्टी की तरफ। सर क्या नाम है आपका? परवीन सैनी। सैनी साहब, आप ये कौन सी गली है? गली नंबर 2 है, सैनी वाली। सैनी वाली गली। आपको पता होगा कि अगले साल यानी जनवरी के अंदर विधानसभा के चुनाव आ रहे हैं, विधानसभा के, क्या लगता है कौन बनेगा दिल्ली का मुख्यमंत्री? बीजेपी से होगा इस बार। बीजेपी से होगा। आपके यहाँ पे विधायक कौन है इस वक्त मौजूदा? विधायक हमारा जितेंद्र सिंह तोमर। क्या तोमर जी ने अपने इलाके में कोई विकास कार्य किए हैं जिससे आप संतुष्ट हों? उतने लेवल के तो नहीं किए जितने करने चाहिए थे, कमी है, ज़्यादा नहीं है, कुछ खास नहीं है। मतलब अगर हम बात करें पिछले 5 साल छोड़ दें अरविंद केजरीवाल के और उससे 15 साल पीछे चले जाएं, तो क्या लगता है कि उन 15 साल और 5 सालों में कोई फ़र्क है कि किस सरकार ने अच्छा काम किया? 15 साल की सरकार ने बहुत अच्छा काम किया था, शीला दीक्षित की जो सरकार थी, इसने उसके लेवल का कुछ भी नहीं करा। क्या नाम है? विनय अग्रवाल। अग्रवाल जी, आपको पता है कि अब लोक विधानसभा चुनाव आ रहे हैं जनवरी के अंदर है, कौन बनेगा दिल्ली का मुख्यमंत्री? देखो जी, अभी फिलहाल तो केजरीवाल पार्टी का उम्मीद लग रही है। क्यों? क्योंकि जी काम कराया जी विधायकों ने इलाकों में। क्या नाम आपके विधायक का? जितेंद्र सिंह तोमर। अगर मैं पूछूं जितेंद्र सिंह तोमर के वो काम जो आपको बहुत अच्छा लगे हों? जी काम अच्छे, सारे काम ही अच्छे करें जी, गलत क्या करा है? देखो एक आम आदमी को क्या चाहिए, गली बननी चाहिए, सीवर लाइन साफ होनी चाहिए, पानी आना चाहिए, अब वो तो पार्लियामेंट में जाकर बैठ नहीं सकता ना, उसकी जरूरत के लेवल में काम कराएं। अभी लोकसभा के चुनाव गए हैं 2-3 महीने पहले ही, ठीक है, मगर आम आदमी पार्टी को वो सफलता नहीं मिली जो उनको चाहत थी, अब कैसे माना जाए कि विधानसभा में जनता ने वोट करेगी? हर चीज़ का एक लेवल होता है, वो प्रधानमंत्री लेवल का था, ये स्टेट लेवल और सेंट्रल लेवल फ़र्क होता है, 7 सीटों से प्रधानमंत्री नहीं बनता ना, इसलिए वो जो लेवल है यहाँ पे स्टेट लेवल का बात चल रही है, स्टेट लेवल की बात में आम आदमी पार्टी आगे है। राम राम जी, बोलो। सर क्या नाम है आपका? परवीन सैनी। मतलब ये सैनी, सारी गली सैनी होगी क्या लगता है? सैनी मोहल्ला है ये। ओके ओके ओके। अच्छा, क्या पूछा जाता है सैनी साहब? मेरा सीधा सा सवाल है, कौन बनेगा दिल्ली का मुख्यमंत्री? दिल्ली का मुख्यमंत्री तो देखो केजरीवाल को तो छोड़ दो आप, और आगे जो होगा वह उससे जाएगा, बीजेपी तो है ही आगे उसके लिए। आपके यहाँ पे विधायक का नाम क्या है? वो श्री जितेंद्र सिंह तोमर। कोई विकास कार्य नहीं किया उन्होंने अपने इलाके में? कोई खास नहीं, कोई खास विकास नहीं किया, देख रहे हो आप खुद ही देख रहे हो गली मोहल्ले का हाल, कभी आते नहीं, देखते नहीं, आ गए तो कभी छठे चौमास से आ गए तो आ गए। यह क्या दिखते हैं मेन यहाँ पर? दिक्कत तो क्या है, ज़्यादा तो सीलिंग की चल रही है इस समय प्रॉब्लम, ज़्यादा जब काम धंधे ही उजड़ जाएंगे सारा कुछ हो जाएगा, सहायता करनी चाहिए, कुछ उठाना चाहिए मुद्दा को रोकने के लिए, ये चीज़ें चल रही है। जब रोजगार ही छूट जाएगा तो काम कैसे चलेगा? फैक्ट्रियाँ छोटी मोटी जिसकी भी है अपनी है, रोजगार धंधा सबसे पहले तो रोजगार जरूरी है जी, रोजगार ही नहीं होगा तो क्या होएगा? और मुद्दा तो ज़िंदगी में हमेशा प्रॉब्लम तो कोई सॉल्व किसी कर नहीं सकता, ये तो अपनी है चलती रहेगी, बस सबसे बड़ा मुद्दा है फैक्ट्रियों का। हाँ, क्या नाम आपका? वीरू दास। वीरू जी, अब विधानसभा के चुनाव आ रहे हैं, कौन बनेगा दिल्ली का मुख्यमंत्री? हम तो सोच रहे हो केजरीवाल बनेगा। क्यों? क्या हमारा काम सही कर रहा है मेरा?
क्या काम किया है? गली काम किया, लाइट लगवाया, सीवर डलवाए, पानी डलवाए। आपके यहाँ पे जो विधायक हैं, क्या नाम है उनका? हेलो, तोमर है, तोमर जी है। कभी मिले आप उनसे? हाँ जी मिले हैं। क्या विकास किया उन्होंने? उनके कोई दो काम ऐसे बताइए जो उन्होंने बहुत अच्छे किए हों। सीवर का काम किया, पानी लाइन डलवाया है, कैमरा लगवा रहे गली गली, लाइट लगवा दिए हैं हर जगह, हर पॉइंट पे लाइट दे दिए हैं, किस तरह दिक्कत नहीं है। क्या नाम है आपका? सुरेंद्र कुमार। सुरेंद्र जी, दिल्ली में विधानसभा के चुनाव आ रहे हैं, लोकसभा के तो मई में हो चुके हैं, अब दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होगा? देखो जी, जो काम करेगा वही होना चाहिए, जो ढंग के काम हो जिसके, बाकी एक ही जैसे सरकार हो सेंटर हो उसमें तो वो बढ़िया है, वो चीज़ सही है ना, आपस में एक दूसरे की वो रहती है, जो टांग उसकी खींचते हैं वो उसकी खींचते हैं, तो मेरे हिसाब से तो बीजेपी की आनी चाहिए जी। अगर बात की जाए आपके विधानसभा इलाके की, रामपुरा की, आपके इलाके में कोई विकास कार्य हुए अभी तक? हाँ जी, आप पार्टी के जो MLA साहब हैं वो कर रहे हैं, कुछ काम तो कर ही रहे हैं, हर गलियां बनी हैं, सब कुछ बना है। आप उनके कामों से कितने संतुष्ट हैं? नहीं, ठीक है, काम तो कर रहे हैं जी, अच्छे काम कर रहे हैं, काम से संतुष्ट हैं, पर वही है नहीं, पार्टियों में गुटबाजी जैसे चल रही है, वो उस दूसरी पार्टी दूसरे की टंग खींचती है, तो इसमें एक सरकार ही हो दोनों जगह तो वो अच्छा है, तो काम सारे ज़्यादा विकास और अच्छे तरीके से हो। क्या नाम आपका? जसविंदर सैनी। जसविंदर जी, ये बताइए कि अब विधानसभा के चुनाव आ रहे हैं, आप वोट भी करते हैं, अब क्या आने वाले विधानसभा चुनाव में आप किसको चाहेंगे, कौन बनेगा मुख्यमंत्री? मोदी बनेगा, मोदी हमारा ही, बीजेपी। मौजूदा विधायक कौन आपके यहाँ पे? यहाँ पे तो तोमर है, तोमर आम पार्टी। क्या कोई विकास कार्य आपके इलाके में हुआ? कोई इतना खास तो हुआ नहीं अभी, कोई नहीं, इतना खास नहीं हुआ, हुआ है ही नहीं कहते, हुआ है कम हुआ है, इतना खास नहीं हुआ। क्या कभी तोमर से मिले आप? नहीं, कभी नहीं, नहीं कभी नहीं। आपका क्या नाम है? सुरेश। सुरेश जी, दिल्ली में विधानसभा चुनाव में कौन बनेगा मुख्यमंत्री? मुख्यमंत्री देखो जी, अब कौन बनेगा, अभी तो इलेक्शन में पता नहीं, वैसे तो बीजेपी ही है, बीजेपी के हम तो बीजेपी को वोट देते हैं जी। वोट दे बीजेपी। नाम है जी? मेरा नाम है जी देवी सिंह। आप क्या समझते हैं आने वाले चुनाव में विधानसभा में कौन बनेगा मुख्यमंत्री? आप बता, हम तो ये बोलते हैं कि जो आदमी अच्छा काम करेगा हम तो उसी को सपोर्ट करेंगे। अभी तक देखें जो 5 साल लगातार दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, उनके काम से आप कितने संतुष्ट हैं? काम तो किया उन्होंने, उन्होंने काम तो किया है, तो ऐसी बात नहीं कि उन्होंने काम नहीं किया, हम तो उनसे बहुत सहमत है। आपके विधायक का नाम क्या है? हमारे विधायक का नाम तो वो है डॉक्टर डॉक्टर हर्षवर्धन तोमर, तो वो भी काम कर रहे हैं। क्या काम किया उन्होंने? तो यहाँ की जो सड़क टूटी हुई थी उसका काम किया, इसका काम किया, तो यहाँ पे जो है उसका काम था फ्लाईओवर का, वो काम किया, और वहाँ पे जो है बरदारी तक का वहाँ पे काम किया है, तो काम तो कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं। आपके हिसाब से दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन बनना चाहिए? तो मैं तो ये बोलूँगा कि अब जो काम करे तोमर जी, अपने यही बन जाए। क्या नाम है आपका? कैलाश पाल। कैलाश जी, अब विधानसभा के चुनाव आ रहे हैं, जनवरी में चुनाव हैं, कौन बनेगा दिल्ली का मुख्यमंत्री? केजरीवाल। क्यों? क्योंकि काम करा हमारे लिए। क्या काम किया आप, उनका कुछ काम बता सकते? हमारे स्कूल में शिक्षा का वैसे बहुत काम किए हैं उसने। आपके विधायक का नाम पता आपको? जितेंद्र सिंह तोमर। क्या जितेंद्र सिंह तोमर ने भी अपने इलाके में कोई विकास कार्य किया है? बहुत काम किया है। क्या काम, कोई ऐसा काम बताइए? बहुत काम किया है, जो हम तो काम धंधे वाले हमें इतना नहीं, पर काम करता जा रहा है, गलियां सड़कें सब बहुत कुछ कर रहा है। कोई बिजली पानी की दिक्कत यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, बिजली की कोई दिक्कत नहीं है। मगर मैं अभी हम लोगों ने देखा कि अभी लोकसभा के चुनाव गए हैं, उसमें आम आदमी पार्टी को वो सफलता नहीं मिली जो आप लोग बता रहे थे। क्या हमने खुद बीजेपी को दी थी लोकसभा में, विधानसभा में केजरीवाल।
क्या नाम है जी आपका? मेरा सुनील कुमार। सुनील जी, अब विधानसभा के चुनाव आ रहे हैं तो आपके इलाके में नेता भी आएंगे, कौन बनेगा दिल्ली का मुख्यमंत्री? बीजेपी का आना चाहिए, अब तक तो केजरीवाल जी थे। आप केजरीवाल के कामों से कितने संतुष्ट हैं अभी तक के? हर काम से संतुष्ट हैं जी उसके। फिर कह रहे हैं बीजेपी आए? हाँ। कारण? कारण ये है कि हमारे एमएलए साहब जो प्रॉपर काम होना चाहिए वो करा नहीं पा रहे, उधर एरिया में हो जाते हैं, हमारे इधर होते ही नहीं। सीलिंग उधर वाले सीलिंग यहाँ करवा जाते हैं, हमारे यहाँ सीलिंग यहाँ करवा के सारे वहाँ ले जाते हैं। जब कोई तोमर सुनता ना कोई विधायक सुनता हमारी। अभी सारी हमारी इधर की सारी फैक्ट्री खाली करवा दी, पूछो तो कोई जवाब ही नहीं देते। उधर सारी फैक्ट्रियाँ चल रही हैं, उनके लिए कुछ भी नहीं है। मतलब आपका कहना है कि भेदभाव हो रहा है? भेदभाव हो रहा है, बिल्कुल भेदभाव हो रहा है। तोमर जी ने अपने इलाके में विकास कार्य भी कुछ कराए हैं वैसे? विकास तो सड़क बनवाई है, टाइटें लगवाई हैं, ये भी सारी उन्होंने करवाया सर। पर सीलिंग के मुद्दे को लेकर नाराजगी है? बिल्कुल। सर क्या नाम है आपका? संजय। संजय जी, लोकसभा चुनाव मई में ख़त्म हो गए, विधानसभा के चुनाव आ रहे हैं जनवरी में, क्या लगता है दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन बनेगा? इस बार बदलेगा या ये केजरीवाल? सर केजरीवाल ही बेस्ट है। क्यों? क्यों सर, हमें तो कोई परेशानी है नहीं हमारे एरिए को, तो अभी आप जाओ तो दो मिनट में आ जाता बंदा। कंप्लेंट सर, कंप्लेंट की पूरी सुनवाई है। कौन आपके यहाँ पे विधायक? विधायक है जी जितेंद्र सिंह तोमर। जितेंद्र सिंह तोमर ने क्या विकास करा है आपके इलाके के अंदर? सर हमारे यहाँ तो कोई हमें जैसे भी कोई परेशानी होती है जाओ तुरंत तो तुरंत समाधान। एक्स वाई जेड जैसे गलियों की परेशानी है या सीवर लाइन खुलवानी हो तो एक बार मारो कंप्लेंट तो आराम से बंदा काम हो जाता है। तो आप मानते हैं कि विधायक ने काम अच्छा किया? हाँ जी, विधायक निगम पार्षद दोनों बेस्ट। मगर अभी लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को सफलता नहीं मिली, कांग्रेस को सफलता नहीं मिली, तो कैसे विश्वास किया जाए कि विधानसभा चुनाव में जनता उनको चुनेगी? एक तो राज्य गवर्नमेंट होती है, एक केंद्र गवर्नमेंट है, केंद्र गवर्नमेंट का भरोसा मोदी गवर्नमेंट आई। सर हम तो अपने इसके देखेंगे ना क्षेत्र की, तो हमें क्षेत्र से जो बेस्ट है वही बढ़िया है। हमारे तो काम क्षेत्र वाले करवा रहे हैं ना।